तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, बेसिकली आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर को, जो कि आपके जो आरजीपी बीटेक थर्ड सेमेस्टर है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ उन स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस ब्रांच से रिलेटेड है, या फिर जो स्टूडेंट अपने डाटा स्ट्रक्चर को और भी मजबूत करना चाहते हैं, या फिर जो भी स्टूडेंट जिन्हें डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना है उनके लिए ये वीडियो सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली ये डाटा स्ट्रक्चर का कंटेंट है जो कि कहीं ना कहीं आप अगर कोडिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो डाटा स्ट्रक्चर पे आपका कमांड होना आपके लिए जरूरी है। तो बेसिकली आज हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, सारी चीजों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारा चीज सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा स्ट्रक्चर को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर डेटा क्या होता है। तो डेटा कह रहा है कि डेटा, एनीथिंग टू गिव इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, यानी कोई भी ऐसा चीज जो हमें क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, वो क्या कहलाता है, आपका डेटा कहलाता है। अगर स्टूडेंट नेम की बात करें तो वो भी आपका क्या है, डेटा है। स्टूडेंट रोल नंबर की बात करें तो वो भी आपका क्या है, डेटा ही है। उसके बाद डेटा के तो हम लोगों ने समझ लिया, जान लिया, लेकिन अब स्ट्रक्चर को भी जानना होगा कि आखिर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसमें कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर यानी डाटा को रिप्रेजेंटेट करना ही हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें आपका एरे हो गया, ग्राफ हो गया, लिस्ट हो गया, ये सारी चीजें आपके क्या होंगी, स्ट्रक्चर के अंदर आएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर की, तो डाटा स्ट्रक्चर आपका कॉम्बिनेशन है डेटा और स्ट्रक्चर का। एंड उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा सो दैट इट कैन बी यूज इफिशियंटली, यानी डाटा स्ट्रक्चर क्या है, एक तरीका है किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने का, किसी के डाटा को ऑर्गेनाइज करने का इफिशियंट वे में। एंड उसके बाद कह रहा है कि डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल द डाटा एंड टर्म एंड रिलेटेड टू इच अदर, यानी डाटा स्ट्रक्चर एक वे है किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने का, किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। तो काफी अच्छा वे में, काफी सिंपल वे में इस चीज को तैयार किया गया है, तो आप इसको देखने की पूरी कोशिश कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हम लोग टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर को जानेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, यानी डाटा स्ट्रक्चर मेनली दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। और प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को अलग अलग पार्टों में भी डिवाइड किया जाता है। तो बारी बारी से हम लोग इसके जो अगला ट्यूटोरियल होने वाला है, हमारा अगला जो लेक्चर होगा, उनमें सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं हम लोग प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। कह रहा है कि दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टली ऑपरेंड बाय मशीन इंस्ट्रक्शन, यानी ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि डायरेक्टली ऑपरेंड होता है किसके द्वारा, मशीन इंस्ट्रक्शन के द्वारा ऑपरेंड होता है। एग्जाम्पल है कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। उसके बाद हम बात करें नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की, तो उसमें कह रहा है कि दीज आर ड्राइव फ्रॉम द प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, यानी जो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है वो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू ही ड्राइव किए जाते हैं, यानी उसी से ये क्या होता है, निकल के आता है। एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, यानी ये क्या है, कलेक्शन है सेम प्रकार के, यानी एक ही तरह के या फिर अलग अलग तरह के प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के। इसका एग्जाम्पल है एरे, स्टैक और ट्री। ये सारे बेसिक एग्जाम्पल है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन की, यानी कौन कौन से ऑपरेशन डाटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म किए जाते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसे हम काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस चीजों को, तो इन चीजों को आप मिस करने की कोशिश मत कीजिएगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन है। इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा द डाटा विच इज स्टोर्ड इन आवर डाटा स्ट्रक्चर एंड प्रोसीडेड बाय सम सेट ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहला ऑपरेशन इसमें है इंसर्शन। इंसर्शन में आपको नाम से ही पता होता चल रहा होगा कि इंसर्ट, किसी भी चीज को ऐड करना, तो उसमें है ऐड अ न्यू डाटा इन डाटा स्ट्रक्चर। सेकेंड आपका डिलीशन, डिलीशन से मतलब है आपका डिलीट का, आपको नाम से पता चल रहा होगा, यानी किसी भी चीज को, किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना, यानी रिमूव अ डाटा फ्रॉम द डाटा स्ट्रक्चर, यानी डाटा स्ट्रक्चर से डाटा को रिमूव करना। थर्ड है आपका सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्या होता है, इसमें है अरेंज डाटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी डाटा को घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में हमें क्या करना, इंक्रीज करना ही सॉर्टिंग कहलाता है। सर्चिंग फाइंड द लोकेशन ऑफ डाटा इन द डाटा स्ट्रक्चर, यानी हमें डाटा स्ट्रक्चर के, डाटा के लोकेशन को फाइंड करना है डाटा स्ट्रक्चर में। एंड फिफ्थ है आपका मर्जिंग, जिसमें है कंबाइंड द डाटा ऑफ टू डिफरेंट सॉर्टेड फाइल इनटू अ सिंगल सॉर्टेड फाइल, यानी कंबाइन करना दो डिफरेंट प्रकार के अलग अलग तरह के फाइल को एक सिंगल फाइल में। एंड सिक्स है आपका ट्रेवर्सिंग, जिसमें है एक्सेसिंग ईच डाटा एग्जैक्टली वन इन द डाटा स्ट्रक्चर सो दैट
ईच डाटा आइटम इज ट्रेवर और विजिटेड। तो ये 6 ऑपरेशन थी जो कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर परफॉर्म किया गया था। इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग एरे के बारे में जानेंगे कि एरे क्या होता है। तो बेसिकली काफी बेसिक तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। फ्रेंड अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।